हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं करने वाली हूँ इस वाली ड्राइंग को कंप्लीट। तो बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो देर किस बात की, चलो वीडियो शुरू करते हैं। कृष्णा की कलरिंग के पार्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। एज यूजल मैंने हमेशा की तरह आईज से स्टार्ट किया है, तो आईज को मैं ब्रश पेन से ही कलर कर रही हूँ और थोड़ा सा पेंसिल कलर से भी टच दूंगी मैं। फेस के लिए बर्न टॉकरी कलर लिया है मैंने। बहुत ही लाइट हैंड से एक बेस हम तैयार कर लेंगे, तो फिर इसका जो डार्क एरिया है सेम पेंसिल से हम इसका डार्क शेडिंग करेंगे। और साथ में ही हम यूज़ करेंगे ऑलिव ग्रीन कलर, क्योंकि जब आप फोटो को ऑब्जर्व करोगे ना तो राधा जी के कहीं कहीं ग्रीन कलर दिख रहा है, तो उसके लिए हम ऑलिव ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। क्योंकि राधा जी की ज्वेलरी में थोड़ा सा गोल्डन टच है, इसलिए हम जो है रॉ अंबर कलर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट गोल्डन कलर का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी रेफरेंस फोटो को देख के कलरिंग पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह की ड्राइंग जो होती है ना, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट ट्रस्ट मी सबसे इजी प्रोसेस है। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, आपको पेशेंस के साथ कलर करना होता है, बट ये बहुत इजी प्रोसेस है।
जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ पे मैं वाइट एकले कलर का यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरी पेंटिंग हो गई है पूरी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।